जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो मेरा पिछला वीडियो गया था उसमें हमने आपको बताया था कि मैं एम्बे का प्रोडक्ट मंगाई हूँ, कुछ बस मंगाई हूँ, बताती हूँ किस लिए मंगाई हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं मेरे पास, ये 4 प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं मुझे और काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र में चल रहे थे तो मैंने सोचा मंगा ही लेती हूँ। मुझे मंगाना तो था, ऑफ़र तो चल ही रहा था। और ये एक शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ को रोकेगा और आपकी स्कैल्प जो होती है ना उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे बाल वाल झड़ना, पूरी दिक्कत तो यहीं से होती है ना, ड्राई होती है स्किन यहाँ की, स्कैल्प हमारी, तो बाल झड़ते हैं, खुजली होती है, इचिंग होती है और बाल जल्दी जल्दी टूट टूट के निकलने लगते हैं। तो उससे एम्वे का प्रोडक्ट है, पहले कभी यूज़ किया था, अच्छा है। और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, मैं बोला वापस से मैं यही यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो और अब थोड़ा सा एज मेरा तो बढ़ ही रहा है तो उसके हिसाब से केयर तो करना पड़ेगा ना, हर किसी को करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैंने ये मंगाया है, काफ़ी अच्छा है। मैं इसका ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। अब देखो, आप तो मेरी फैमिली हो, आपसे तो कुछ छुपा नहीं सकती, कुछ ना बताना ही पड़ता है कि क्या यूज़ करी हूँ क्या नहीं। तो मैं ये एम्वे का शैम्पू मंगाया है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मल्टी विटामिन टैबलेट्स मंगाई है मैंने, ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लेंगे। इसका भी बहुत बेनिफिट है, देखिए हम कितना भी खाना खा लें, नॉन वेज खाएँ, वेज खाएँ, कितना भी अच्छा खाना खा लें, आपको पता है हर चीज़ में आजकल केमिकल है। शुद्ध तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है कि हमें एक नेचुरल चीज़ें मिलें। खाना खा रहे हैं उसमें हर किसी में कुछ ना कुछ केमिकल मिला ही हुआ है और सारे प्रोटीन विटामिन हमको नहीं मिल पाते हैं खाने से। तो उसके लिए टैबलेट्स मंगाई है और काफ़ी अच्छी होती है, इसमें मल्टी विटामिन टैबलेट्स हैं। तो इससे खाने का क्या होता है ना कि अगर आप साल में 4 से 5 महीने इसको कंटिन्यू खा रहे हो आप, तो उससे क्या होगा कि जो भी साल में 4 से 5 महीने खा लिया तो साल भर का काम कोटा कंप्लीट हो जाता है, बोन्स स्ट्रांग रहें और बॉडी में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो फिर वो तो खाया, वो तो ठीक है, 6 महीने तक अच्छा रहा डिलीवरी होने के बाद ही। उसके बाद ना बाल तो यूँ झड़ने लगे, बहुत ही गंदे झड़ने लगे। तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया कि मल्टी विटामिन टैबलेट तो कम से कम 4 से 5 महीने में, साल में एक बार तो ज़रूर लूँगी ताकि आगे जाके वो 6 से 7 महीने जो बचते हैं कवर हो जाएगा मेरा, तो वो सही रहता है। तो आप इस टैबलेट्स को डेली एक ले सकते हो और ये डेली के नाम से, तो ये डेली के नाम से आती है, आप इसे एक टैबलेट रोज ले सकते हो। ये मतलब दवाई की तरह यूज़ नहीं है, ये एज अ सप्लीमेंट है, आप यूज़ कर सकते हो इसको और ये काफ़ी अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है यूज़ करना चाहिए, अभी जैसा चल रहा है ना माहौल, खाने पीने का सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसके हिसाब से ये यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, ये इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये ओमेगा 3 के नाम से है। तो ये हार्ट के हेल्थ को अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और ये कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है ना हमारा, गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको अच्छे से मेंटेन करता है। एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से मेंटेन करता है, इसके लिए है। तो ये तो हस्बैंड लेंगे और पता नहीं मैं लूँगी कि नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे भी ज़रूरत है, इनको भी का ज़रूरत है, तो ये इन्होंने अपने लिए मंगवाया है। तो यही 3 प्रोडक्ट मंगाए हैं और ये जो छोटू सा रिसीव हुआ है ना, तो ये यही प्रोडक्ट है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों सेम है। तो ये अम्बे की ना 25 सिल्वर ज्वेलरी है, तो उसके उसमें ऑफ़र निकला हुआ था तो मैंने मंगवा लिया, तो मुझे ये छोटा सा अलग से रिसीव हो गया है। बस यही था, देखती हूँ आज खाऊंगी, आज से स्टार्ट करना है मुझे, कंटिन्यू 4 से 5 महीने खाऊंगी। यहाँ पे ना उड़द दाल भिगो के रख रही हूँ भी कल के लिए, तो कल बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। याद होगा मार्केट से मैं जब सब्जी लेके आई थी तो मैं अरबी के पत्ते लेके आई थी, तो उससे बनाऊँगी पात्रा, तो उसी के लिए उड़द दाल भिगो के रख रही हूँ। ये बिना छिलके वाली है, आप चाहो तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हो, उसे साफ़ कर लो बाद में फूल जाए तो। तो ये अभी रख रही हूँ और ये सुबह तक अच्छे से फूल जाएगी, वैसे सुबह भी डालती तो हो ही जाता नाश्ते के टाइम पे, बट ठीक है अभी कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी भूल जाता है, क्योंकि वॉक पे जाऊँगी, वॉक से आऊँगी तो मेरे बच्चे उठ जाते हैं तो सब कुछ भूल ही जाता है, तो रात में ही भिगो के रख दो। और आज ना डिनर पर कुछ भी नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है
क्योंकि रात में हम लोग खाना थोड़ा अवॉइड करते हैं, 6 बजे के बाद ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोपहर की रोटी थी तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे लिए भी कुछ ऐसा नहीं बनाओ, मुझे भी थोड़ा सा वेट डाउन करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन्होंने 4 रोटी खा ली थी, 1-2 रोटी जो भी लास्ट की बची थी उसमें थोड़ा सा मैंने भी खाया, तो हम लोग का हो गया। तो अभी बच्चों को शेक वगैरह दे दिया, तो बच्चे ऐसा कुछ खाएंगे है नहीं, और दाल चावल बचा हुआ था तो बच्चे वो खा लिया था साथ में, शेक के बाद वो खा लिया था, तो इनका पेट अभी तो भरा हुआ है। तो मैं वो सोच रही थी कि फिर से भूख लगेगी इनको, तो इसके लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने दिमाग में आया कि पहले पूड़ी, और बिटिया को आम और पूड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा नहीं चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा कौन ताम झाम करे, अभी दूध क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बच रहा है, तो मैंने सोचा कि सेवैयाँ बना देती हूँ। तो मेरे पास ये पतली वाली सेवैयाँ हैं, तो उसी की सेवैयाँ बनाऊँगी मैं, ये तो ये वाली सेवैयाँ बना दूँगी। तो दूध की मलाई निकाल दी है मैंने, और थोड़ा दूध ज़्यादा था वो भी रख दिया है, तो बस इसकी सेवैयाँ बनाऊँगी बच्चों के लिए। तो दूध गर्म करके इसमें सेवैयाँ और थोड़ी शक्कर डाल दूँगी, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स के पाउडर रखा है मेरे पास, मैं पाउडर बना के रखती हूँ, बच्चे पाउडर से उनको पता नहीं चलता कि ड्राई फ्रूट्स डालने तो बहुत नाटक करते हैं, तो वो डाल दूँगी इसमें, तो इनका अभी रात का हो जाएगा अभी खाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो सुबह हो गई है और आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, क्योंकि कल रात में ना नींबू थोड़ा खा लिया था मैंने, तो गला अजीब सा हो गया है। और आज सुबह बना रही हूँ जो मैंने आपको कल दिखाया था, जो दाल भिगो के रखी थी ना, तो उसे अच्छे से धो लिया है मैंने, अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये जो पत्ते हैं ना, ये ऐसे हो गए हैं, कोई नहीं ये पानी में डालते से खिल जाएंगे। तो पहली बात तो इनको कैसे कट करना है ये बताती हूँ मैं, इसको पहले अलग कर लेती हूँ। तो ये जो पत्ते हैं ना, इसे ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसका हल्का सा निकलना चाहिए, ऐसे काटना, पत्ता बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, नहीं तो आप जो दाल का लेयर लगाओगे ना इसमें, ये निकल गया ऐसे। तो इस तरह से सारे पत्ते में के पीछे की ये जो डंठल है ना, ये सब हटा लूँगी और इसे अच्छे से धो लूँगी, ऐसे पानी में डाल डाल के, ऐसे ऐसे दिखाती हूँ कैसे धोना है। और फिलहाल तो मसाला तैयार कर लेते हैं इसका। तो मसाले के लिए जैसे यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है जिसपे मैं स्टीम करने के लिए रखूँगी, और यहाँ पे जो उड़द दाल है वो धो ली है। आप चाहो तो मूंग दाल, उड़द दाल और थोड़ा चना दाल भी मिक्स करके बना सकते हो, वैसे ये उड़द दाल पे ही ज़्यादा बनती है। और इसमें जाएंगे मसाले, तो मसालों में जाएगा थोड़ी सी काली मिर्च जो कि मैं इसके साथ ही पीसूँगी, और जाएगा जीरा, और एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तीन ठीक है, अच्छी सी महक आने के लिए। और यहाँ पे जाएगी लौंग, तो 4-5 लौंग डाल दी है। और यहाँ पे जाएगी थोड़ी सी जावित्री, और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, ये जाएगा इसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें, वो होता है जायफल, जो इसे बहुत अच्छी महक आती, तो इसे मैं घिस के इसमें डालूंगी। और जायफल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये गर्म भी होता है, और दूसरी बात तो ना, अगर आप इसे ज़्यादा डाल दो ना तो ये ना खाने को कड़वा कर देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हल्का सा इससे क्रश करके डाल दूँगी मैं, ये थोड़ा सा डाल दिया है बस। और इसमें जाएगा, इसमें धनिया पाउडर भी जाएगा, वो मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ रखा हुआ है। इसमें जाएगी लहसुन, और अदरक जाएगी इसमें, छोटे छोटे पीसेस कर देती हूँ ताकि अच्छे से पीस जाएंगे, और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। चलो जी ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें खटाई डालनी है आपको, क्योंकि अरबी के पत्ते ना गले पे जाके चुभेंगे, खुजली करेंगे आपको, तो इसमें खटाई में आप नींबू यूज़ कर सकते हो, आमचूर पाउडर यूज़ करते हैं, अभी मौसम चल रहा है आम का, तो आम तो ईजिली मार्केट में मिल जाता है, तो आम डालूंगी मैं इसमें, आम ये जाएगा आम इसमें, थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालूंगी ताकि इसमें खटास रहे। तो ये मैंने धो के रखा हुआ था, इसके पीसेस डाल दूंगी इसमें,
और ये फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और पानी इधर तो चढ़ा ही दिया, ये गर्म हो रहा है इधर, बस इतना आम काफ़ी है। और इसमें जाएगा नमक, तो नमक तो मैं बाद में भी डालूंगी, बाद में फेंट लूंगी, फिलहाल इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। इस दाल का ना थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है, पर उड़द की दाल है थोड़ा पानी लगता है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, और सिलबट्टे में पीसती तो नहीं लगता पानी। तो अब इसकी सफाई करनी है मुझे अच्छे से, तो इसमें पानी डाला और एक एक पत्ते को अच्छे से डुबोना है, और इस तरह से हल्के हाथों से इसकी सफाई करनी है। वैसे तो इसमें पानी ठहरता नहीं है, आगे पीछे करके तो इस तरह से सारे पत्ते साफ हो जाएंगे। इस तरह से सारे पत्तों की सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे पत्ते भी अच्छे से धो लिए हैं, और पहले मैंने साइज़ के हिसाब से रखे हैं, बड़े पत्ते, छोटे पत्ते, फिर उससे छोटे पत्ते। तो मेरे पास 5 ही हैं, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा इसमें। और यहाँ पे ये प्लेट को ना थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के रख लेती हूँ, ताकि चिपके नहीं है। अब इस पेस्ट में जो जो चीज़ें नहीं डाली थी, सबसे पहले तो जाएगा हींग, उड़द दाल है ना, तो गैस ही बनाएगी, तो ये डाल दिया। अब जाएगा नमक, और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डाल लेना आप, तो मैंने तो नहीं डाला है। और इसे अच्छे से फेंट लेती हूँ पहले। तो अब आगे इसमें पेस्ट लगाने की बारी, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़े पत्ते में लगाना है पेस्ट, आप पतली मोटी जैसी भी लेयर रखना चाह रहे हो ना वैसे रख लो। ज़्यादा मोटी लेयर करोगे आप तो फिर उसको ना फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। अब आएगा छोटा पत्ता, तो इसके जस्ट अपोजिट रखना है, ये इधर से। ये और इसको फोल्ड करने की बारी आ गई, उसे फोल्ड करना है। पहले साइड साइड से फोल्ड कर लेंगे। क्या हुआ ईशु? तो अब इसे ऐसे धीरे धीरे करके फोल्ड करना है, और बीच बीच में यहाँ पे भी दाल लगाते जाएंगे। ये फोल्ड किया, यहाँ पे दाल लगाई, मतलब मसाला इसका जो भी दाल का पेस्ट तैयार किया है ये। और बाहर भी हल्का हल्का सा लगा दूंगी। तो ये तैयार हो गया, इसे रख देती हूँ स्टीम होने के लिए। इस तरह से दूसरा भी तैयार कर लूंगी, और बस इसे ढक के रख दूंगी 15 मिनट के लिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं ये पका है या नहीं पूरी तरह से। तो आप टूथपिक या कोई चम्मच ऐसे ले लें, चाकू वगैरह कुछ भी ले लें, और इसमें थोड़ा सा ऐसे देखें, बिल्कुल 7 चम्मच निकली, यानी ये रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही कट करके खा सकते हैं, या फ्राई करके खा सकते हैं, सेल्फ फ्राई करके खा सकते हैं। तो इसे फिलहाल तो निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये अब इसे ठंडा कर लेते हैं। तो मेरे पास जो दाल बची हुई थी ना, तो
जो मसाले वाली दाल थी थोड़ा सा और दाल बचा के रख लिया था। मैंने सोचा था अगर नहीं बची तो ये वाली दाल का मैं थोड़ा छोटा छोटा सा ना रायता बनाऊंगी अभी, तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा इसकी पकौड़ी निकाल लूँगी। और तो बच गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा डालूंगी सौंफ। सौंफ का टेस्ट ऐसे खड़ा खड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसे फेड करके इसकी पकौड़ियाँ निकालूंगी और फिर रायता बनाऊंगी इसका। बहुत ही बढ़िया रायता बनके तैयार होगा, एकदम वैसा लगेगा दही बड़े जैसा, दही बड़े वाला रायता बनाऊंगी। तो इस तरह की पीसेस तैयार कर लेने हैं, अब इसे मैं फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहो ना तो ये जो स्टीम किया हुआ एज इट इज फ्रिज में रख दो, कट करके या ऐसे ही रख दो, और जब भी खाने का मन करे ये आराम से एक हफ्ते चल जाते हैं, और जब भी मन करे तो आराम से फ्राई करके खा लो, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये लाल लाल सा फ्राई हो गया, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगेगा। और चटनी भी मैंने तैयार कर ली है, ये चटनी बनके तैयार है और सबको दे देती हूँ। तो इधर दोपहर के खाने की भी साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे दाल चढ़ा दी है और अभी तैयारी चल रही है सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे ये बीन्स की सब्जी बनाऊंगी, इसको बरबट्टी बोलते हैं हमारे इधर। और यहाँ पे कुछ आज थोड़ी मसाले वाली बनाऊंगी, भुजिया जैसी नहीं बनाऊंगी। तो अदरक लहसुन और छोटी इलायची और ये काली मिर्च और ये पत्थर फूल ले लिया है, और इसमें इसे अच्छी महक आती है इसलिए लिया है मैंने। और प्याज कट कर लिया इसका, इसी का इतना ही मसाला बनेगा। और इसमें जाएगा टमाटर, और टमाटर को तो बारीक कट करूँगी ना, तो उसी का अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा क्योंकि गल जाते हैं टमाटर। तो इसको पीसूँगी नहीं मैं, लास्ट में तड़के में डालूँगी, जब सारा मसाला पक जाएगा तो टमाटर गल जाएगा, तो इसका तो भी पेस्ट बनाना है मुझे। तो इसका पेस्ट बना लेती हूँ। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, तो ये आलू है ना अक्सर गल जाते हैं सब्जी में, पता ही नहीं चलते। तो मैं सोच रही थी कि आलू थोड़ा से खड़े खड़े से दिखे, तो इसे पहले ही फ्राई कर लेंगे मैं, और फ्राई करके अच्छे से और थोड़ा पक जाएगा ना तो निकालूंगी और फिर लास्ट में डालूंगी, क्योंकि तो आलू दिखाई देंगे, आजकल के आलू गल जाते हैं, तो इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो आलू भी फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेती हूँ मैं। पूरे सब खा रहे हैं, बस ये चार पीस बचा हुआ है, बताओ सारा पात्रा एक दिन में ही खत्म हो गया, वैसे ज़्यादा था भी नहीं। और इसमें तेल बहुत ज़्यादा है, इसका तेल पहले हटा लेते हैं। सोचा कुछ और था, किया कुछ और, और सबने बोला कि थोड़ा सा चिप्स भी निकाल दो, तो इसी तेल में मैंने चिप्स भी निकाल दिया, तो ऐसे भी आज तेल कम नहीं हो गया, बचा ही नहीं तेल, अब इसी में सब्जी बना लूँगी, कुछ हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा ऐसे प्याज डालूंगी इसमें बारीक कट करके, थोड़ी बचा रखी थी मैंने। और ये जो मसाला था ना ये डालूंगी सारा का सारा, इसे हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। तो मसाला अच्छे से भुन गया, इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इधर धनिया पाउडर भर के। अब डाल दूंगी ये बीन्स, तो इसकी भी भुनाई हो जाएगी मसाले के साथ साथ। तो आज सारा काम निपटाने के बाद खाना तो बना लिया था, उसके बाद गैस वगैरह साफ करी और फिर थोड़ी घर की सफाई करी। इन्होंने मतलब सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगाया था वो लगाया फिर उसके बाद, पर फिर दोबारा भी झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि बच्चे इतना गंदगी मचा देते हैं, कुछ खाते हैं नीचे फेंकते जाते हैं। तो वो सारा काम निपटाया, अब सारा काम निपट गया, पूजा वूजा भी कर ली, अब जा रही हूँ खाना खाने नहा धो करके। तो आज खाने में ये यहाँ पे बनाई है सब्जी, तो ये बीन्स वाली सब्जी मसाले वाली है, और दाल चावल थोड़ा सा ले लिया है, इकट्ठा ही ले लिया मैंने, और रोटी और ये जो पात्रा बनाया था वो, और सैलड, और यहाँ पे बनाया ये रायता, तो जिसमें छोटे छोटे से ना वो जो
मसूर के दाल नहीं सॉरी उड़द की दाल बची थी ना उसकी पकौड़ियाँ छानी थी और उसको फिर पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, तो फूल गया वो और उसका एक्स्ट्रा तेल भी निकल गया। और उसके बाद बस मठा लिया उसमें डाला और तड़का लगा दिया जीरा और मिर्ची का, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसमें थोड़ा सा डाला है काला नमक। तो मैं अपना लंच इंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और बच्चों का खाना हो चुका है, कैसा लगा मिर्ची आज का खाना? अच्छा, बहुत टेस्टी, मेरा फेवरेट है। खा लो। तो इधर खाना रेडी हो गया, मैं बच्चों को खिला रही हूँ। ये तो गए हैं बाहर, फिर आएंगे तो खाएंगे और बच्चों को भी खिला दूंगी। और ये पूड़ी और सब्जी बहुत अच्छे से खाते हैं, और ये वाली सब्जी तो बहुत अच्छे से खाते हैं। वैसे मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ ना तो ये आराम से खा लेते हैं, करेला छोड़ करके। बस मैं इनके हिसाब से मसाले डालती हूँ, ज़्यादा चटक वाले मसाले नहीं डालूँ ना तो ये बच्चे आराम से खा लेते हैं। आ जाओ ईशु। और ये दोनों अपने यहाँ खेल रहे हैं, इनको खाना खिला देती हूँ अभी तो फिलहाल, फिर मिलते हैं आपसे। और एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गई, आज मिस्टी ने भी ना पूड़ियाँ बनाई हैं, तो ये 3-4 पूड़ी बनाई है, एक वो खुद खा गई, तो ये मिस्टी की बनाई हुई पूड़ियाँ हैं। मिस्टी भी आजकल खाना बनाना सीख रही है, उसे शौक हो रहा है खाना बनाने का। क्यों मिस्टी, खाना बनाने में मज़ा आता है? मुँह से बोलो। ये अपनी रोटी खा रही है। हाँ पूड़ी खा रही है, सॉरी। मुझे पानी पीना है। पी लो।